गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फिफ्टीन पॉइंट वन जिसका फर्स्ट सम क्या है द पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्केयर इज़ सिक्सटी फोर फाइंड इट्स एरिया अब हमें पैरामीटर गिवन है और उससे हमें क्या करना है एरिया फाइंड करना है तो पैरामीटर ऑफ स्केयर क्या है सिक्सटी फोर सेंटीमीटर एरिया हमें क्या करना है फ़ाइंड करना है पैरामीटर ऑफ स्केर क्या होता है फोर इंटू साइड सिक्सटी फोर पैरामीटर ऑफ स्केर हमें गिवन है वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे स्केयर की साइड फाइंड आउट कर लेंगे फोर मल्टीप्लाई साइड तो फोर मल्टीप्लाई में है जब साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो जब सिक्सटी फोर को फोर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सिक्सटीन साइड हमारे पास क्या आ गया सिक्सटीन सेंटीमीटर तो एरिया ऑफ स्केयर क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड तो सिक्सटीन मल्टीप्लाई सिक्सटीन तो सिक्सटीन के सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर स्केयर ये हमारे पास स्कीयर का एरिया आ गया उसके बाद क्वेश्चन क्या है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर फिफ्टी मीटर एंड फोर्टी मीटर रिस्पेक्टली फाइंड इट्स एरिया तो हमें क्या गिवन है रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ गिवन है इससे हमें क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है फिफ्टी मीटर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है फोर्टी मीटर तो एरिया क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ तो फिफ्टी मल्टीप्लाई फोर्टी क्या होगा टू थाउजेंड मीटर स्केयर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस इज फ़िफ्टीन सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज़ एट सेंटीमीटर तो बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है फिफ्टीन सेंटीमीटर एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है एट सेंटीमीटर तो एरिया ऑफ रैक्ट एंगल क्या ट्रायंगल uh, क्या होता है हमारे पास वन बाई टू मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड या हाइट तो बेस क्या है हमारे पास फिफ्टीन और एल्टीट्यूड क्या गिवन है एट तो टू फोर जा एट फिफ्टीन फोर जहाँ क्या होता है सिक्सटी सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आ गया उसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन क्या है द बेस एंड हाइट ऑफ हाइट ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो टू रेशो थ्री इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ वन हंड्रेड एट सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट्स बेस एंड हाइट अब हमें क्या दे है रेशो में गिवन है किसी ट्रायंगल की बेस और हाइट तो वो रेशो क्या है हमारे पास टू रेशो थ्री ये बेस है और ये हमारा हाइट का रेशो है तो लेट दी हाइट ऑफ ट्राएंगल ये हमारा ट्रैंगल का साइन है तो ट्रैंगल का हाइट क्या होगी हमने अपनी तरफ से लेट कर ली थ्री एक्स और बेस ऑफ ट्राएंगल क्या होगा टू एक्स तो एरिया ऑफ ट्राएंगल हमें क्या गिवन है वन हंड्रेड एट सेंटीमीटर तो एरिया ऑफ ट्राएंगल होता क्या है वन बाई टू मल्टीप्लाई बेस इन टू हाइट इक्वल्स टू वन हंड्रेड एट सेंटीमीटर स्क्वायर बेस हमने क्या लैड किया है टू एक्स और हाइट क्या है हमारे पास थ्री एक्स टू से टू कैंसिल हो गया ठीक है उसके बाद क्या है इक्वल्स टू वन हंड्रेड एट सेंटीमीटर तो यहाँ पे क्या बचेगा वन तो थ्री वन जा थ्री एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्केयर क्योंकि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं तो वन हंड्रेड एट सेंटीमीटर थ्री एक्स स्क्र यानी कि थ्री मल्टीप्लाई एक्स स्केयर थ्री मल्टीप्लाई में जब साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में तो क्या आएगा थर्टी सिक्स जब हवन हंड्रेड एट को हम थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन टेन में से नाइन गए वन और आएगा एट थ्री सिक्स जा एटीन क्या आया थर्टी सिक्स एक्स स्केयर एक्स स्केयर को हम कैसे लिख सकते हैं यानी कि एक्स की स्केयर का मतलब क्या होता है एक्स की टू टाइम मल्टीप्लाई अब थर्टी सिक्स को मैं टू टाइम किसकी मल्टीप्लाई लिख सकती हूँ सिक्स की तो सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स तो x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास सिक्स सेंटीमीटर आ गया तो हाइट क्या थी थ्री एक्स सेलेक्ट करी थी रेशियो हमने तो थ्री मल्टीप्लाई सिक्स एटीन सेंटीमीटर और बेस हमारे पास कितना है टू मल्टीप्लाई सिक्स ट्वेल्व सेंटीमीटर तो हम ये फाइव क्वेश्चन तक ही करेंगे जो नेक्स्ट सिक्स से स्टार्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे